नमस्कार, बीएससी थर्ड ईयर पेपर आपका सेकंड है एडवांस योगा थेरेपी, और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे फैटी लीवर का योग द्वारा प्रबंधन। फैटी लीवर और इसका योगिक उपचार। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? नहीं सर, आप स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी? यस सर दिख रही है। दिख रही ना, जरा पढ़ो क्या लिखा है। फैटी लिवर एंड इट्स योगिक मैनेजमेंट। वेरी गुड। आज का हमारा ये विषय है फैटी लिवर, पेपर सेकंड एडवांस्ड योगा थेरेपी के अंतर्गत मेटाबॉलिक डिजीजेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, और आज पहली डिजीज फैटी लीवर को हम लोगों ने लिया है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लीवर, फैटी लीवर का फंक्शन क्या है, इसमें हम लीवर के कार्य को देखेंगे कि मुख्य रूप से पहले लीवर कार्य क्या करता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो लीवर हमारे शरीर का काफी महत्वपूर्ण अंग है और पाचन तंत्र में इसका सबसे बड़ा योगदान है। आप लोग लीवर को जानते हैं किस तरह की संरचना होती है और कहां पर होता है? बोलिए, लीवर से परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं? ये देखिए लीवर, ये दाहिनी ओर पसली के नीचे पाया जाता है। अगर ये जब बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो पसली के नीचे हाथ से दबाने से दिखाई पड़ता है। ये देखिए लीवर है, आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है लीवर की? कंफर्म करिए लोग, स्क्रीन दिख रही है आपको लीवर की? यस सर। और इसके अंदर जो हरा हरा है क्या है? ये जो हरा हरा दिख रहा है क्या चीज है, कौन बताएगा? सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर। हाँ, ये गॉल ब्लैडर है और ये इसकी बाइल डक्ट है। इसी से जो है बाइल सिक्रेट होकर के आता है। तो ये लीवर की संरचना कहाँ पर होती है? पसली के दाहिनी ओर, पसली के नीचे इसकी संरचना पाई जाती है। अगर जब ये बढ़ जाता है, बच्चों में कई बार लीवर का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, तो दाहिनी ओर पसली के नीचे दबाने पर वो दिखाई पड़ता है, सॉरी महसूस होता है। सामान्यतः वो पसली के नीचे के हिस्से में रहता है। इसमें से बाइल डक्ट निकल करके वो आमाशय में जूस उसके बाइल आता है और उसी से पाचन की क्रिया होती है। लीवर का सबसे बड़ा काम है वो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करना है, पित्त का निर्माण करना। और पित्त स्टोरेज किस में होता है? गॉलब्लैडर में। गॉलब्लैडर में आप लोगों ने सुना होगा, गॉलब्लैडर में लोगों को स्टोन हो जाते हैं, तो जब स्टोन हो जाता है तो गॉलब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर पाचन तंत्र का ये लीवर के एक सहयोगी के रूप में जो गॉलब्लैडर काम करता है, वो रिमूव हो जाने से लीवर के ऊपर और ज्यादा कार्य का दबाव बढ़ जाता है, तो लीवर पे वर्कलोड और बढ़ जाता है, तो सीधे बाइल को फिर पहुंचाता है पाचन तंत्र के अंगों में, स्टमक में, और उसमें जो स्टोरेज की प्रक्रिया बाइल की हो रही थी गॉलब्लैडर में, वो नहीं हो पाती। ऐसे में पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है और लीवर पे कार्य भी बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार के रसों का श्रवण करता है, अभी कुछ तो भले पता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इतने प्रकार के केमिकल बनाता है जो शायद किसी फैक्ट्री में बनता हो।
और सबसे बड़ी बात यह है कि लीवर की जब कोई समस्या होती है, यद्यपि हम आज फैटी लीवर पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम फैटी लीवर के अंतर्गत सबसे पहले लीवर का फंक्शन देख रहे हैं। तो लीवर की कोई जो समस्याएं होती हैं उसमें ज्यादातर समस्याएं केवल रेस्ट करने से ठीक हो जाती हैं, क्योंकि लीवर खुद अपना डॉक्टर है, ये अपनी चिकित्सा खुद अपने आप करता है, बशर्ते उसे रेस्ट मिल जाए, काम करने अपने आप को रिकवर करने का समय मिल जाए। और वसा के पचाने में इसका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वसा के पाचन में बाइल का बहुत बड़ा योगदान है, पित्त का बहुत बड़ा योगदान है, और उस पित्त का निर्माण लीवर में होता है और उसमें स्टोर होता है पित्ताशय में अर्थात गॉल ब्लैडर में, और फिर वहीं से बाइल डक्ट के थ्रू पहुंचता है। मुख्य नीचे जो 5 नंबर पे इसके कार्य दिए गए हैं, भंडारण, संश्लेषण और सफाई, ये 3 काम सबसे प्रमुख काम है लीवर के। अभी इसके पहले वाली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो भंडारण की, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के बार बार चर्चा हो रही थी, एटाबॉलिज्म की चर्चा हो रही थी। तो इसमें भंडारण का मतलब है कि जो हम आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ लेते हैं और खासकर उसमें फैट इत्यादि, तो और कार्बोहाइड्रेट को भी वो फैट में कन्वर्ट करने का, तो उसके मतलब अतिरिक्त कैलोरी या अतिरिक्त ऊर्जा को शरीर में भंडारण करने के लिए उसको उसको जो वो परिवर्तित करके फैट में फिर शरीर में स्टोर करता है, तो उस भंडारण की प्रक्रिया में लीवर का सबसे बड़ा योगदान है। प्रोसेसिंग करना, संश्लेषण करना और सबसे बड़ी बात शरीर की टॉक्सिसिटी को पास आउट करना, टॉक्सिसिटी को यूज करना, टॉक्सिसिटी को, विषाक्तता को यूज करना, उसे पास आउट करना, ये 3 काम सबसे प्रमुख रूप से लीवर के कार्य। तो जब लीवर फैटी होता है तो ये सब काम प्रभावित हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जब अस्वस्थ होगा, बीमार होगा या काम नहीं कर पाएगा, तो उसके द्वारा जो संपादित होने वाले कार्य हैं वह सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, उन कार्यों का सही ढंग से सुचारू रूप से संचालन नहीं होगा। तो ये लीवर के बहुत ही ब्रीफ स्तर पे आपने देखा कि लीवर का क्या फंक्शन होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है, और वह पाचन तंत्र का अंग माना जाता है। लीवर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट माना जाता है। अब आकर के देखते हैं लीवर की ढेर सारी समस्याएं होती हैं, उसमें से एक समस्या है जिसका नाम है फैटी लीवर, उस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फैटी लीवर के जो सिम्टम है, अगर किसी का लीवर फैटी हो जाए, उसका साइज बढ़ जाए, उसमें फैट जमा हो जाए, तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं कि भूख की कमी होना, थकान, वजन का कम होना, पैरों में सूजन, पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कमजोरी। तो ये सारे सिम्टम्स सब पाचन तंत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पाचन तंत्र सीधे प्रभावित होता है, तो इसलिए इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और ये जब लीवर में जो फैट है वो एक सीमा से आगे हो जाता है, अगर फर्स्ट स्टेज में है, थोड़ा बहुत है, तो उसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता और व्यक्ति अपने डे टू डे लाइफ, डे टू डे जो कार्य है वो करता रहता है। तो इस प्रकार फैटी लीवर की समस्या होने पर जो लीवर के सामान्य कार्य हैं वह प्रभावित होते हैं। अब आके देखते हैं कि योग के द्वारा कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो अगर हम यौगिक साधनों का अभ्यास इस्तेमाल करें इसके प्रबंधन के लिए, फैटी लीवर के लिए, दरवाजा मिला दो, तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें क्या हुआ, क्या कह रहे हो संजना, स्क्रीन शेयर नहीं होती है आवाज नहीं आ रही? सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओके, तो सर,
बताना जब शेयर होने लगेगी तो। होने होने लगी तो फैटी लीवर का आप प्रबंधन देखते हैं। फैटी लीवर में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इसमें चूंकि ये फैटी लीवर की समस्या का मुख्य रीजन जो है वो आराम तलबी का जीवन, श्रम न करना, या फिर फैट का ज्यादा लेना। चूंकि फैट ज्यादा इंटेक करने का मतलब है कि श्रम ज्यादा किया जाए, तो अगर आप श्रम नहीं करेंगे और फैट ज्यादा इंटेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है वो गलत प्रभाव डालेगा, उसे मेटाबॉलिक रेट भी डिस्टर्ब होगा, चूंकि फैट के ग्रहण के लिए श्रम का होना आवश्यक है। अभ्यास में देखते हैं सबसे पहले षटकर। षटकर में से नंबर एक धोती और नंबर चार पे नौली और नंबर छह पे आने वाली कपालभाति, ये तीनों अभ्यास बहुत प्रभावशाली। कपालभाति से भी फैटी लीवर को कम किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। धोती क्रिया से भी, धोती क्रिया के जो तमाम भाग हैं उसमें कुंजल वस्त्र धोती काफी डिफिकल्ट है, तो उसका अभ्यास सामान्यता नहीं हो पाता है, लेकिन कुंजल सरल क्रिया है और कुंजल को हर कोई को कराया जा सकता है। तो कुंजल क्रिया, कपालभाति और नौली, ये तीनों क्रियाएं फैटी लीवर में लाभकारी हैं। अब इसके साथ अदर्श रोगों का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, क्योंकि फैटी लीवर में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि धोती, कपालभाति या नौली के अभ्यास कोई नुकसान करें, लेकिन दूसरी बीमारियों का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये अभ्यास नुकसान कर जाएंगे। जैसे कि फैटी लीवर के साथ अगर पेप्टिक अल्सर की समस्या है तो बिल्कुल धौती, कपालभाति और नौली के अभ्यासों का जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों अभ्यास हानिकारक हैं। धौती भी हानिकारक है, नौली भी हानिकारक है और कपालभाति भी हानिकारक है। अगर पेप्टिक अल्सर के साथ कपाल उसका फैटी लीवर की समस्या है, अर्थात जिसको पेप्टिक अल्सर की समस्या है उसको ये अभ्यास बिल्कुल नहीं कराया जा सकते। दूसरा, अगर बीपी का व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, फैटी लीवर भी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में भी धौती और कपालभाति नहीं कराया जा सकते, या कपालभाति बहुत हल्का कराया जा सकता है, लेकिन फैटी लीवर में बहुत हल्का 150 बार कर लिया और बहुत आराम आराम से कर लिया, उससे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार नौली क्रिया भी हाई बीपी वाले को ज्यादा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसमें श्वास बाहर निकाल करके रोकना होता है। अब यह बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस बात पर कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा रहता है और दवा के साथ उसका मैनेजमेंट है कि नहीं। अगर दवा के साथ नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है और दवा के साथ पूरी तरह से नॉर्मल है, तो ऐसे में नौली अभ्यास हो सकती है। नीति क्रिया कर सकते हैं, कर सकना और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होना, दोनों में अंतर है। करने को आप नेति क्रिया कर सकते हैं, वस्ती कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं, इनमें थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष लाभ कपालभाति, नौली और धोती की क्रिया से ही जो है वो फैटी लीवर में लाभ मिलेगा। तो ये हो गई षटकर्मों के द्वारा कि षटकर्म में कौन कौन से उपचार हैं जो किए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं आसन। आसनों में खड़े होकर के करने वाले आसन मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार है। ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास इसमें जो है सबसे लास्ट में स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे उपयोगी अभ्यास है। इसके अलावा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, हस्तोत्थान आसन, इन आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं, इनसे भी लाभ होगा, लेकिन मुख्य लाभ होगा जो वो सूर्य नमस्कार। आसनों में सूर्य नमस्कार सबसे प्रभावशाली आसन है फैटी लीवर के लिए। पेट के बल लेटने वालों में भुजंगासन और धनुरासन और तिर्यक भुजंगासन भी, ये आसन ऐसे हैं कि पूरा उदर के हिस्से को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए भुजंगासन, धनुरासन और तिर्यक भुजंगासन, इन आसनों के अभ्यास से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इनमें जो दूसरी दूसरी समस्याओं के साथ इनका कॉम्बिनेशन हो। जैसे उदाहरण के लिए भुजंगासन, तो पेप्टिक अल्सर में भुजंगासन, धनुरासन, ये आसन नुकसान करेंगे। हार्निया की अगर समस्या कहीं फैटी लीवर के साथ है तो ऐसी स्थिति में धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन बिल्कुल नहीं कराया जा सकते, दीज आर वेरी हार्मफुल आसन। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि फैटी लीवर के साथ कहीं
हार्निया की समस्या तो नहीं है। अगर हार्निया की समस्या है तो ऐसे ये आसनों का अभ्यास उसमें नहीं होगा। तो अगर किसी को हार्निया की समस्या है और फैटी लीवर है तो क्या करेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को फिर ये आसन तो नहीं कराए जाएंगे और बहुत टिपिकल हो जाएगा। फैटी लीवर और हार्निया का कॉम्बिनेशन सबसे टिपिकल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम उदर के क्षेत्र को और जहाँ पर लीवर का एरिया होता है, इस क्षेत्र को गति करने वाले जो अभ्यास हैं, जहाँ मूवमेंट करने वाले अभ्यास हैं, वो फायदा करेंगे। और हर्निया की समस्या में इस हिस्से में हम बहुत ज़्यादा खिंचाव या गति या दबाव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ट्रिपिकल होगा। ऐसे व्यक्ति को अगर कराया जाए तो ऐसे आसनों का अभ्यास सावधानीपूर्वक कराया जाए, कम कराया जाए, और यह व्यक्ति वेल्ट इत्यादि का अवश्य इस्तेमाल करे। अगर हर्निया का कॉम्बिनेशन है फैटी लीवर के साथ, तो वेल्ट जो आती है पेड़ ऊपर बांधने के लिए पेट पर, वो बेल्ट का अवश्य इस्तेमाल करे, इस बात की पूरी सावधानी रखी जाए। पेट के बल लेटने वाले जो आसन है उसमें पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, चक्रासन, हलासन, नौकासन, सर्वांगासन, ये आसन कराए जा सकते हैं। इसमें सबसे प्रभावशाली अगर पीठ के बल आसनों में से है तो नौकासन। पीठ के बल और पेट का बल भी, पेट के बल नौकासन हमने इसमें नहीं लिखा है लेकिन उसे आप लोग नोट कर लीजिए। नौकासन दोनों तरफ से बहुत उपयोगी है, क्योंकि नौकासन एक्चुअल में उदर का ही आसन है, तो नौकासन दोनों तरफ से उपयोगी है। लेकिन नौकासन का अभ्यास पेट के बल लेट करके हार्निया वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर समस्या है तो ऐसे व्यक्ति को भी नौकासन नुकसान कर जाता है, इवन पेट के बल लेटने वाला नौकासन भी नुकसान कर जाएगा। तो चूंकि उसमें गर्दन पे काफ़ी खिंचाव आता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर अगर सर्वाइकल के साथ कॉम्बिनेशन है तो इसमें सर्वांगासन का अभ्यास नहीं करना है। चक्रासन और हलासन, इन आसनों का अभ्यास हार्निया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का अगर कॉम्बिनेशन है रोगी में तो नहीं करना है। पश्चिमोत्तानासन इज अ वेरी यूजफुल फॉर फैटी लीवर बट बोथ हु आर सफरिंग फ्राम स्लिप डिस्क बैक पेन, तो दे नेवर डू, उनको बिल्कुल नहीं करना है। अगर कमर दर्द या स्लिप डिस्क के साथ फैटी लीवर का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे व्यक्ति को तो पश्चिमोत्तानासन बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर ये समस्याएं नहीं है, व्यक्ति को कमर दर्द नहीं है, हृदय का कोई रोग नहीं है, बीपी नॉर्मल रहता है, बीपी ज़्यादा नहीं रहता है, तो पश्चिमोत्तानासन फैटी लीवर के लिए सबसे प्रभावशाली आसन है। सूर्य नमस्कार के बाद इसी का आसनों में नंबर आता है। सूर्य नमस्कार के बाद अगर आसन कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली है तो पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन को तो फैट कम करने वाला आसन सीधे हठ प्रदीपिका में भी लिखा है कि इससे कफ दोष की फैट फैट कम होता है, कफ वसा कम होती है। तो ये बैठकर होने वाले आसन हो गए। इसके अतिरिक्त सिंहासन, उष्ट्रासन, ये आसन भी किया जा सकता है। वक्रासन, वक्रासन और इसका वक्रासन का जो सेकेंड एक तरह से वेरिएशन ही कहेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन, क्योंकि अर्धमत्स्येन्द्रासन का उपासन वक्रासन कहा जाता है। तो जो लोग कर सकते हैं वो अर्धमत्स्येन्द्रासन करें, और जो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कठिन आसन है, तो वो लोग वक्रासन का अभ्यास करें फैटी लीवर की समस्या। अच्छा, अर्धमत्स्येन्द्रासन और वक्रासन की विशेषता यह है कि ये बैक पेन की स्थिति में भी किया जा सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी स्थिति में किया जा सकता है, और बीपी की स्थिति में भी इसको कर सकते हैं। तो ये इसके साथ अच्छा ही है, यद्यपि उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा जितना बढ़िया ये पश्चिमोत्तानासन या सूर्य नमस्कार वगैरह देंगे, लेकिन पश्चिमोत्तानासन के साथ ढेर सारी लिमिटेशंस हैं कि इसे किन किन कंडीशन में किया जाए और किन किन कंडीशन में ना किया जाए। तो ये आसनों का कुछ हो गया। इसको मैंने कई तरह से बताने का प्रयास किया, क्योंकि ये आसन तो निश्चित तौर पर फायदा करते हैं, लेकिन इन आसनों को कराने के साथ उसकी समग्र जानकारी होनी चाहिए कि फैटी लीवर के साथ साथ अन्य किन किन बीमारियों का कॉम्बिनेशन है। अगर अन्य किन किन में कुछ बीमारियों का कॉम्बिनेशन है तो उसमें नुकसान करने वाले आसनों का अभ्यास नहीं होना चाहिए। ये आसन की बात हो गई। अब आगे प्राणायाम देखते हैं। प्राणायाम में यद्यपि कपालभाति प्राणायाम का भाग है नहीं, यह षटकर्म का भाग है, और षटकर्म में मैंने जिक्र भी किया था कि षटकर्म में कपालभाति बहुत उपयोगी है, लेकिन जब अभ्यास की बारी आएगी तो अभ्यास यह प्राणायाम के साथ ही होगा, और सबसे पहले हम कपालभाति का ही अभ्यास करेंगे। तो कपालभाति इट इज़ वेरी यूजफुल, अग्निसार वेरी इट इज़ वेरी यूजफुल, उद्यान बंद, और उसके बाद फिर भस्त्रिका। तो ऊपर के तीनों अभ्यास इसमें बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास हैं, चूँकि ये
उधर की फैट को, उधर के पूरे हिस्से को, मांसपेशियों को गति देते हैं, उसमें गति उत्पन्न करते हैं, मूवमेंट उत्पन्न करते हैं। लेकिन इनके साथ जो मैं शुरू में चर्चा कर चुका हूँ वही यहाँ पर भी ध्यान रखना है, कपालभाति का अभ्यास उच्च रक्तचाप के व्यक्ति को नहीं करना है। और अग्निसार, कपालभाति और उड्डयन, ये तीनों अभ्यास पेप्टिक अल्सर वाले व्यक्ति को नहीं करना है। तो अगर कोई किसी को फैटी लीवर के साथ जो है वो पेप्टिक अल्सर की समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सावधानी और बहुत धैर्य के साथ अभ्यास किया जा सकता है, और उसके अभ्यास से कपालभाति, अग्निसार, उड्डयन, ये तीनों अभ्यास निकल जाएंगे, ये तीनों अभ्यास वो नहीं करेगा। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ये डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर कितना रहता है और दवा के साथ उसका प्रबंधन है कि नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कपालभाति, अग्निसार और उड्डयन का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उन्हें मॉडिफाई करके उनको कराया जा सकता है। अब देखते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, इसकी मैंने पहले की क्लासों में काफी चर्चा कर चुका हूँ। अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो किसी भी बीमारी में, किसी भी दशा में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कराया जा सकता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे संतुलित होगा, लेकिन फैटी लीवर में कोई बहुत ज़्यादा इससे हम रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते कि अनुलोम विलोम से फैटी लीवर में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम से मिल सकता है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे व्यक्ति को नहीं करना है जिसका रक्तचाप ज़्यादा रहता हो। रक्तचाप ज़्यादा रहने वाले व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं होगा, और यह रक्तचाप की कैटेगरी पर डिपेंड करता है कितना रहता है। तो अगर बहुत आवश्यक है तो भस्त्रिका प्राणायाम को मॉडिफाई करके, धीमा करके और बीपी पर नजर रखते हुए कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम हर दशा में हो सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का कॉम्बिनेशन फैटी लीवर के साथ है तो ऐसे व्यक्ति को अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी, ये तीनों प्राणायाम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, तो इससे उसका बीपी का प्रबंधन भी हो जाएगा। परंतु यहाँ स्पष्ट करना यह आवश्यक है कि अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी फैटी लीवर में कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देंगे। फैटी लीवर में ऊपर के कपालभाति, अग्निसार और उड्डयन सबसे अच्छा प्रभावशाली प्राणायाम में, या इस ग्रुप के आसनों अभ्यासों में ऊपर के ही तीन अभ्यास सबसे प्रभावशाली होंगे, और फिर पांचवें नंबर पे भस्त्रिका, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, यह दूसरी समस्याओं में नंबर 1 के अभ्यास हैं। फैटी लीवर में कोई बहुत ज्यादा इनसे रिजल्ट नहीं मिलना है। उसके बाद ध्यान, ध्यान का अभ्यास भी इसमें कर सकते हैं। फैटी लीवर में ये ध्यान का जो अभ्यास है फैटी लीवर में भी कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा। बस हाँ, अगर उसको थोड़ा सा मानसिक तनाव और डिप्रेशन इस तरह की कुछ स्थिति रहती है, या बहुत ज्यादा ऐसी लाइफ है जिसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे में ध्यान उपयोगी है, ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है और दूसरी दूसरी चीज़ों में उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फैटी लीवर के लिए श्रम की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावशाली, कंक्लूजन की ओर हम बढ़ रहे हैं, सबसे प्रभावशाली अगर कोई अभ्यास है तो वो है सूर्य नमस्कार। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें अन्य कोई समस्याएं नहीं, उसको केवल फैटी लीवर है, लेकिन उसको कम से कम ये 3-4 बीमारियां जो मैं बोल रहा हूँ, उच्च रक्तचाप की बीमारी, स्लिप डिस्क या बैक पेन की बीमारी, पेप्टिक अल्सर की बीमारी, सिंपल हल्का फुल्का बैक पेन है लेकिन अगर स्लिप डिस्क नहीं है तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें बैकवर्ड बेंडिंग के जो आसन है वो उससे लाभ मिल जाएगा। तो अगर ये 3 बीमारियां उस व्यक्ति को ना हो जिसको फैटी लीवर के लिए अभ्यास डिजाइन किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जितना अभ्यास इसमें दिखाया गया है वो सारे अभ्यास किए जा सकते हैं, और उनसे बहुत ही सटीक रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। इसमें जो अभ्यास दिखाए गए हैं वो ऐसे व्यक्ति के लिए दिखाए गए हैं जिसको फैटी लीवर के अतिरिक्त बीपी की समस्या या स्लिप डिस्क की समस्या या पेप्टिक अल्सर की समस्या, ये सब समस्याएं नहीं हैं उस व्यक्ति के लिए ये अभ्यास इस स्लाइड में मैंने दिखाए हैं, और बोल करके मैंने वर्बली समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हम अभ्यासों, किन किन अभ्यासों को पर्टिकुलर, किन किन बीमारियों में फैटी लीवर के साथ अन्य किन किन बीमारियों में किन किन अभ्यासों को हटा देना चाहिए, या फिर आवश्यकता अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन कर लेना चाहिए। तो ये रहा आपका आज का फैटी लीवर पे यौगिक प्रबंधन की बात। अब आप लोगों से इससे संबंधित जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछिए। फैटी लीवर पे आप लोग बहुत पूछ रहे थे तो इसलिए आज का प्रेजेंटेशन दिया। चलिए पूछिए आप लोग।
कौन पूछ रहा था अभी फर्टिलिटी वर्ष से संबंधित प्रेजेंटेशन से पहले? संजना सर, मैं पूछ रही थी आसन के बारे में। बताओ। बोलो अब ना, क्या पूछ रही थी? सर आसन के बारे में पूछ रही थी, वो आपने बता दिया था। हाँ, आसन में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली पश्चिमोत्तानासन और सूर्य नमस्कार। और पश्चिमोत्तानासन जब होगा तो उसका काउंटर आसन उसके साथ में जरूर लगेगा। वो भुजंगासन भी आप कर सकते हैं उसकी जगह, उष्ट्रासन भी कर सकते हैं, या फिर जो है धनुरासन भी कर सकते हैं पश्चिमोत्तानासन के काउंटर के रूप में। लेकिन अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो ऐसे लोगों को उष्ट्रासन भी नहीं करना है, पश्चिमोत्तानासन भी नहीं करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग और आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।